वेलकम टू नई सुबह कहानी घर। कहानी घर नई सुबह टेल्स नरेटेड बाय निस्मा आलम। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह कहानी घर में खुश आमदीद। मैं हूँ निस्मा आलम और आज हम सुनेंगे कहानी चार दोस्त। दोस्तों एक जंगल में तीन बहुत ही पक्के दोस्त रहा करते थे। एक था चूहा, दूसरा था कछुआ और तीसरा था कौवा। तीनों नहर के किनारे बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। उसके बराबर वाले ही जंगल में एक हिरन रहता था जिसका वहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं था। इसीलिए वो टहलते टहलते दूसरे जंगल में आया और जब देखा कि ये तीन दोस्त बहुत ही खुशी खुशी रह रहे हैं और बहुत ही मजे कर रहे हैं तो उनसे कहा, तुम तीनों दोस्त हो ना? तीनों ने उसे हंसते हुए देखा और कहा, हाँ हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हिरन ने कहा, क्या मैं तुम लोगों से दोस्ती कर सकता हूँ और तुम लोगों के साथ रह सकता हूँ? तीनों ने उसे हंसते हुए देखा और कहा, जरूर। फिर ये चारों दोस्त बन गए। चारों खुशी खुशी रहते थे और खूब मजे करते थे। एक दिन हिरन जो सुबह से गया शाम हो गई मगर वापस नहीं आया। उसके तीनों दोस्त बहुत ही परेशान हो रहे थे। चूहे ने कहा, मैं देख कर आता हूँ कि हमारा दोस्त कहाँ है। कौवे ने कहा, नहीं मैं जाके देखता हूँ, मैं तो उड़ते हुए जल्दी से देख लूँगा और जो भी मुश्किल होगी तुम लोग को आके बता दूँगा। कौवा जल्दी जल्दी गया तो देखा कि एक शिकारी ने हिरन को जाल में फंसाया हुआ है और हिरन ने कौवे को देखकर कहा, मेरी मदद करो। कौवा जल्दी जल्दी भागकर गया और सारे दोस्तों को लेकर आ गया। चूहे से कहा कि तुम जल्दी से इस जाल को काटो। चूहे ने जल्दी जल्दी जाल को काटा और हिरन को बाहर निकाल दिया। शिकारी के देखने से पहले ही हिरन भी जल्दी से भागा, चूहा भी और कौवा जल्दी से उड़ गया। कछुआ भी भाग ही रहा था, जैसे ही बिल में घुसा शिकारी ने देखकर कछुए को जाल में फंसा लिया। अब तीनों दोस्त बहुत परेशान हुए और शिकारी उसे नहर के करीब लेकर जाने वाला था कि उसको जल्दी से बेच डाले। तीनों दोस्तों ने एक मंसूबा बंदी से कछुए को बचाने की कोशिश की। शिकारी जैसे ही उसको बेचने के लिए जा रहा था, हिरन ने अपने आप को ऐसा जाहिर किया जैसे वो मुर्दा है। शिकारी ने कहा, मेरा हिरन मुझे वापस मिल गया। चलो हिरन, तुम्हारे जरिए मैं अपने बीवी बच्चों की दावत करूँगा। जैसे ही वो हिरन को पकड़ रहा था, चूहे ने जाल को काट कर कछुए को बाहर निकाला और कौवे ने शिकारी के सर पे ऐसी चोंच मारी कि शिकारी एक सेकंड को सुन होकर रह गया और जल्दी से हिरन उठकर भाग गया। इस तरह चारों दोस्त फिर मिलजुल कर रहना शुरू हो गए। बच्चों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम मुश्किल में एक दूसरे की मदद करें तो खुशहाल जिंदगी गुजरती है। नई सुबह कहानी घर में तही मिलते हैं फिर एक मजेदार नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।